हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द स्मीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टफ़ कॉर्न मिनी पापड़ कॉर्न। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी टी टाइम स्नैक है जो झटपट से तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और मेरी रेसिपी पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें। स्टफ़ कॉर्न मिनी पापड़ कॉर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 पापड़ ले ली हूँ। मैं यहाँ पे मकई को बॉयल करके उसके दाने निकाल ली हूँ। मकई को बॉयल करने के लिए कुकर में पानी और नमक डालकर मकई को डाल दें और दो विसिल में उसे बॉयल कर लें। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ खीरा, 1 मीडियम साइज़ प्याज बारीक कटा हुआ और 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ ली हूँ। काली मिर्च मैं क्रश करके डालूँगी। सेब भुजिया मैं ली हूँ गार्निशिंग के लिए। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ली हूँ, नमक टेस्ट के अनुसार यूज करूँगी, और 1 छोटा चम्मच नींबू मैं ली हूँ, नींबू का रस मैं ली हूँ। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। और 1 छोटा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी मैं यूज करूँगी। मिनी पापड़ कॉर्न बनाने के लिए मैं सबसे पहले तवे को गैस पर रख दी गर्म होने के लिए। अब मैं 1 पापड़ लूँगी और उसे इस तरह से हाफ़ कर लूँगी। हाफ पापड़ का मैं कौन बनाऊंगी, आप इसे चाहें तो कैंची से भी काट के हाफ कर सकते हैं। हाथ पे थोड़ा थोड़ा हीट ऊपर आ रहा है, तवा गर्म हो गया है। अब मैं हाफ पापड़ को तवे पे रखी और इसे एक कपड़े से हल्के हाथों से प्रेस कर करके मैं पका लूँगी। फ्लेम को लो मीडियम पे रखें और पलट पलट कर पापड़ को पका लें। पापड़ को मैं पलट पलट कर दोनों साइड पका ली हूँ। अब जब पापड़ गर्म रहेगा तभी हमें पापड़ को एक कोन का शेप दे देना है। ये देखिए, मैं एक कोन का शेप दे दी। अब इसे कपड़े से पकड़ लूँगी तब तक जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। ये देखिए, पापड़ ठंडा हो गया है। ये एक परफेक्ट कोन बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह मैं सभी पापड़ के कोन बनाकर तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो एक फूल पापड़ का भी कोन बना सकते हैं। इसके लिए एक फूल पापड़ को तवे पे रखें और कपड़े से प्रेस कर करके दोनों साइड इसे पका लें। इसका कोन थोड़ा बड़ा होगा। ये देखिए, पापड़ दोनों साइड पक गया है। अब जब पापड़ गर्म रहेगा तभी हमें इसे इस तरह से मोड़ कर इसका एक कोन तैयार कर लेना है और कपड़े से तब तक पकड़े रहना है जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए और अपना शेप ना ले लें। सारे पापड़ का परफेक्ट पापड़ कोन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं बॉयल्ड कॉर्न को इस बर्तन में डाल लूँगी। अब मैं इसमें प्याज, खीरा और टमाटर डाल दूँगी। इसकी स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेल्दी कॉर्न से स्टफ़ की हूँ। आप चाहें तो इसमें स्प्राउट या फिर इसे स्वीट कॉर्न से भी स्टफ़ करके बना सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मैं चाट मसाला डाली और अब रोस्टेड जीरा का पाउडर डाली मैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैं यूज की हूँ। काला नमक मैं डाली, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च मैं डाली हूँ, थोड़ा सा नींबू का रस मैं डाली। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार। काला नमक भी मैं डाली हूँ और चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा अंदाज से डालें और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च क्रश करके डाल दूँगी। अब मैं इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी को हाथों के बीच में इस तरह से मल के छिड़क दूँगी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यदि आप चाहें तो इसमें फ्रेश धनिया पत्ती भी काट के डाल सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। हमारा कोन भी बनकर तैयार है और स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक पापड़ का कोन लूँगी और उसमें अपना हेल्दी स्टफिंग भर दूँगी। ये देखिए, अच्छे से स्टफिंग को भरने के बाद मैं इसमें सेब भुजिया को छिड़क कर इसे गार्निश करूँगी। ये देखिए, पापड़ का कोन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसी तरह मैं सभी कोन को भरकर तैयार कर लूँगी। हमारा स्टफ़ कॉर्न मिनी पापड़ कॉर्न बनकर तैयार है। आप इसे बनाने के बाद झटपट से खाएं, नहीं तो पापड़ का कॉर्न मुलायम हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।